मोदी जी आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो दिल्ली के चुनाव में 2020 में मुद्दा बना करके केजरीवाल जी चुनाव लड़ने की जीतने की सोच रहे हैं, ये काम हिमाचल कठिन परिस्थिति में भी पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी साधन कम होने के बावजूद भी 1980 में पूरा कर चुका है। हमारे यहां पर अगर बिजली और पानी पर अगर हम चुनाव के दिनों में बात करें तो बोलेंगे कि क्या दिमाग की है क्या, और देश की राजधानी दिल्ली में बिजली और पानी पर वोट मांगने की बात है तो काम क्या क्या। यही केजरीवाल जी पिछली बार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि केजरीवाल को पूरा देश बड़ा आसानी से पहचानता है, उसकी वजह कही है और वजह उसमें यह भी है कि उनका जो कोई भी आदमी अगर इस तरह से मफलर लगा करके यहां ऐसे गांध बांध देता था तो बोलते हैं कि भाई केजरीवाल स्टाइल हो गया, तो और किसी किसी आदमी को बात करते करते थोड़ी सी खांसी आई तो उसको भी बोलने लगे तो लोग भाई केजरीवाल स्टाइल। और अब जब आप देख रहे हैं कि वो मफलर अब की बार गायब है। भाई मेरा आशा से है कि ये अलग तरह की सोच का व्यक्ति है, अलग तरह की, और दिल्ली के लिए जो मॉडल यहां पर काम करने के लिए जो होना चाहिए वो मॉडल इनके पास तो विजन ही नहीं है। सच्चाई सच्ची बात तो ये है, बिजली पानी के मुद्दे पर दिल्ली में चुनाव लड़ा जा रहा है और 2020 में लड़ा जा रहा है, आजादी के 70 वर्षों के बाद लड़ा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि एक तो ये सारा विषय को लेकर के बड़े लोगों में स्पष्ट है, दूसरे में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि एक वस्तु के बाद हमारे भारत को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जो अमित शाह जी के रूप में मिला है, भारत मजबूत हुआ है और भारत मजबूत नेतृत्व के साथ आज से नहीं 2014 से चलना है और 2014 के बाद 2019 में और मजबूती के साथ देश आगे उनके साथ सहयोग में चलने के लिए जो है वो आगे बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस बात को सोचें क्या कि दिल्ली देश के साथ चलनी चाहिए, मजबूत नेतृत्व के साथ चलनी चाहिए।